सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? आपके लिए चाय लेने। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात ध्यान रहे, तुम इस घर की छोटी बेगम हो और बेगम के तौर तरीके सीखो। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो, जस्ट प्रेस द बजर। जी। आहिल बाबा, आपकी चाय। लतीफ नहीं, मैं चाहता हूं कि चाय वो लेकर आए, पुरानी सनम, क्योंकि अब घर की नौकरानी वो है। एक्चुअली उसे कहो कि चाय नहीं, हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। जी अभी बोलती हूं। जाओ। देखो, एक काम करो, ये बेडिंग को इस तरह कर दो कि ऐसा ना लगे कि तुम वहां सो रही थी और मैं यहां पर। ये सब करने की जरूरत नहीं है। घर के नौकर है ना। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। Quietly, don't worry. सनम, सनम, मैं चाहता हूं कि तुम आज एक दुल्हन की तरह सजो और तुम्हें ये सनम सजाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक दुल्हन की तरह सजाओ, जिसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा दो, ताकि आज के जश्न में आने वाले सारे मेहमानों की आंखें चुंदी आ जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर की नई बेगम, यानी कि इस सनम को मेरी बेगम के तौर पे तुम इंट्रोड्यूस करो। और याद रहे, अगर कोई भी चूक या भूल हुई तो आई विल नॉट फॉरगिव यू। नाउ यू कैन लीव। और हां, मैं चाहता हूं कि तुम उस मुजरे वाली रसीली बाई, उसे लेकर आओ। मैं ले आऊंगी। और देखो, एक बात याद रहे, इस पार्टी में भोपाल के नामचीन लोग, बड़े बड़े डिग्निटरीज आने वाले हैं, तो तुम रसीली बाई के साथ ही रहना एंड टेक केयर ऑफ हर। ये पार्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, एक्चुअली ये पार्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जा सकती हो तुम।